चंपावत के लोहा घाट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां बने गैस गोदाम के पास गाय के बछड़े का कटा सर मिला। आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द ही इस तरह का काम करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं स्थानीय विधायक ने पुलिस विभाग के जिला प्रशासन से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। एक एफआईआर होगी अननोन आदमी की और पुलिस एसओ की पूरी टीम और जिलाधिकारी पूरी टीम के साथ इसमें दलबल के साथ जो भी ऐसे काम मीट का करते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग होगी। लाइसेंस धारकों की जो अनलीगल टाइप की सिम कर रहे हैं और जो भी अगर इसमें पकड़ा जाएगा तो कड़ी से कड़ी प्रशासन से हम कहेंगे कि इसमें बिल्कुल ऐसी कार्रवाई हो जो नियम आता है। और वही मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस की टीम ने बछड़े के सर को कब्जे में लेकर घटना को अंजाम देने वालों की खोजबीन शुरू कर दी है। बाकी इसकी जांच करा रहे हैं और एफआईआर मिलने पर इसमें जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई करेंगे और प्रॉपर उनके मेज की दुकानों पे जांच करेंगे। वहीं इस नारेबाजी के दौरान लोगों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।